हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेट के बारे में। दोस्तों पेट क्या होता है, दोस्तों पेट को आज हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेन टॉपिक जो है कि पैट एग्जाम के बाद क्या यूपी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी जो कि रुकी हुई है, क्या इसके बाद वैकेंसी आएंगी, वीडियो के एग्जाम कराए जाएंगे दोबारा या फिर वीडियो की वैकेंसी हर साल आया करेंगी, लेखपाल की वैकेंसी हर साल आएंगी। तो दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पैट क्या है। तो दोस्तों ये पैट जो है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट बनाया गया है जिसके द्वारा आप पहले इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमारे यूपी में एक डिपार्टमेंट है UP SSSC, इसके द्वारा बहुत सारी पोस्टों पर वैकेंसी फिलअप की जाती है, जैसे कि BDO, लेखपाल, OT और दोस्तों बहुत सारी यूपी की वैकेंसी है वो इसमें फिलअप की जाती है। दोस्तों उन सभी वैकेंसीज पर आपको फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो अब पैट कर दिया गया है। और दोस्तों इसे आसान भाषा में हम देखते हैं, पहले जो UP SSSC में अगर फॉर्म भरने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी थी वो थी हमारी डिग्रियां। दोस्तों डिग्रियां मतलब कि अगर हम इंटर से कोई वैकेंसी आई है तो उसमें इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट फॉर्म भर देंगे, उसको इंटरमीडिएट की जो हमारे पास मार्कशीट है वो लगेगी। उसके बाद अगर डिग्री से आई है किसी भी बैचलर डिग्री से, तो बैचलर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, उससे फॉर्म भर जाएगा। लेकिन पर दोस्तों अब यहाँ पर यूपी सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर अब आपको अगर किसी फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि आपको करना है UP SSSC लेखपाल का फॉर्म फिलअप, तो फिर अब आपको यहां पर ये नहीं है कि आपके पास 12th हो आप फॉर्म भर दें। आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बदल कर अब कर दिया है पैट एक एग्जाम। आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, उसके बाद आपको पैट क्वालिफाई होनी चाहिए। आप अगर पैट क्वालिफाई करेंगे तब ही आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, तब ही उस वैकेंसी में आप हिस्सा ले सकते हैं, उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पैट एग्जाम। दोस्तों पैट एग्जाम के बारे में हम और जानते हैं। दोस्तों पैट जो एग्जाम है ये एग्जाम आपको हर साल कराया जाया करेगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर साल पैट एग्जाम हो, उसके बाद हर साल वैकेंसी आए, हर साल वैकेंसी आने के बाद हर साल फिल भी हो जाए। दोस्तों अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बात करते हैं आगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें जो पैट एग्जाम है 10th इसकी एलिजिबिलिटी है पैट एग्जाम को देने के लिए। अगर आपने 10th की हुई है और आपके आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 है, 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 40 ही है, 40 साल। दोस्तों 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पैट एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों इसकी जो कुछ फीस भी रखी हुई है इन्होंने, SC के लिए है 95 रुपये और जो URL जनरल के लिए है वो है आपकी 185 रुपये। दोस्तों ये दो फीस रखी हुई हैं। आप इन जो पैट की रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं, पैट की रजिस्ट्रेशन कर आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों अच्छा खासा ये एग्जाम लेने वाले हैं। इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं UP SSSC के सभी एग्जाम को देने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी यहाँ पर दोस्तों आप इसका घाटा कह सकते हैं, वो दोस्तों ये है कि आप एक साल के लिए ही एलिजिबल होंगे। जैसे कि अगर आपने 2021 का पैट एग्जाम दिया तो 2021 में जितनी भी UP SSSC की वैकेंसी आएंगी उसमें ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये दोस्तों इसकी वैलिडिटी बनाई गई है, जैसे एक रिचार्ज की तरह आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे फिर आपको एक रिचार्ज मिल जाएगा, एक साल तक जितने भी एग्जाम आए उन पर आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आप 2022 के अगर कोई वैकेंसी आती है तो दोस्तों 22 में आपको फिर से पैट एग्जाम देना होगा। दोस्तों ये है आपका पैट एग्जाम। दोस्तों पैट एग्जाम का सिलेबस जो नॉर्मल सभी का होता है उसमें आपकी करंट अफेयर, GS है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पैट एग्जाम से जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो दोस्तों क्या है। दोस्तों पैट एग्जाम आपका पहले एक प्री होगा जो कि कॉमन है सभी के लिए। आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करें दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए जैसे कि अगर आपको लेखपाल की वैकेंसी फॉर्म फिलअप करना है तो सभी को पैट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो भी पेपर होता है उस वैकेंसी के लिए एक स्पेशल पेपर होता है हर वैकेंसी के लिए। अगर BDO की बात करें तो BDO के लिए एक अलग पेपर होता है, अगर आप लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का एक अलग पेपर होता है। तो दोस्तों उस पेपर को भी आपको क्वालिफाई करना है, पहले आपको पैट करना है, दूसरा आपको जो उस एग्जाम को जो उसका जो वैकेंसी का एग्जाम है, जो पोस्ट का एग्जाम है वो क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों उसकी जो स्किल मांगी जाती है, अगर फिजिकल टेस्ट है किसी में तो फिजिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट। ये तो होगा दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के द्वारा
आपको जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा टोटल ओवरऑल पैट। तो यहाँ तक तो हो गए सभी पैट के बारे में कि पैट क्या है। दोस्तों ये सभी एलिजिबिलिटी सभी को सब कुछ पता चल गया अब तक। लेकिन पर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका लाभ क्या है पैट एग्जाम का। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर जो इसका लाभ है वो दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है जिनमें फ्रॉड होता है, जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी हो, वीडियो की वैकेंसी हो, वीडियो की तो पिछली बार की वैकेंसी होती कैंसिल हुई हो गई है, वो दोस्तों सब कुछ हो गया था फिर कैंसिल हुई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा था। फ्रॉड मतलब कि यहाँ पर पेपर लीक कर देते हैं, पहले से सेटल कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसी इतने हमें पैसे देकर जो वैकेंसी जॉब लगती है वो सभी। दोस्तों इस पैट एग्जाम के द्वारा ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कि ख़त्म तो नहीं है, पूरे वायरस की तरह है कि 99% ये खत्म हो जाएंगे, 1% फिर भी रहेगा। तो दोस्तों लेकिन पर आपको यहाँ पर 99% तो आपको यहाँ पर राहत मिल जाएगी दोस्तों पैट एग्जाम से लेकर। दोस्तों पैट एग्जाम का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब दोस्तों हम दूसरा फायदा ये देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों भीड़ यानी कि वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वैकेंसी के लिए जो कि एलिजिबल हकीकत में होंगे। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपके पास एक डिग्री है, दोस्तों डिग्री अब बहुत ही आसान है, हर कोई डिग्री ले लेता है। इंटर किसी को चाहिए इंटर कर लेता है, अगर किसी को ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन कर लेता है, वो दोस्तों कर फिर सीधे इसमें फॉर्म भरते जाते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उस दोस्तों भीड़ से अब घाटा क्या है कि दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है उन सभी की वजह से बहुत डिले हो जाती है, उनको एग्जाम सेंटर वो बांटना, कई दिन तक एग्जाम चलना, ये सभी चीज़ उनकी प्रोसेस करना। अब दोस्तों वो चाहे जॉब मिले चाहे ना मिले, लेकिन प्रोसेस तो सब कुछ कंप्लीट करनी होगी सभी के लिए। दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। कहने का मतलब ये पहले फॉर्म अगर 100,000 भरे जाते थे तो अब दोस्तों बहुत कम हो जाएंगे, 1/4 रह जाएंगे, 30,000-25,000 इतने ही रह जाएंगे, क्योंकि इतने ही पैट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों यानी कि आप कह सकते हैं कि दूध में से ओनली घी बचेगा, यहाँ पर घी को ही यहाँ पर लिया जाएगा। अब दोस्तों हम तीसरा इसका बेनिफिट ये देखते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पर ये है इसका बेनिफिट कि दोस्तों यहाँ पर जब बच्चे ही कम जाएंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों फास्ट यानी कि जो लेखपाल की वैकेंसी की जो कह रहे हैं ना 3 साल से आएंगी वो दोस्तों अब यहाँ पर अगर पैट एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई ना कोई वैकेंसी तो लानी ही होगी। दोस्तों ये तो हो गए हमारे 3 इसके प्रॉफिट। अब दोस्तों हम इसके लॉस की देखते हैं। दोस्तों इसमें लॉस जो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वो दोस्तों ये है कि इसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी यहाँ पर दोस्तों 1 साल दी गई है। 1 साल में दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप UP SSC के बहुत सारे एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम यहाँ पर आप देखते हैं कि एक भी कोई एग्जाम निकले तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, किसी वैकेंसी की कोई वैकेंसी नहीं है जो कि 1 साल में आए और फिलअप हो जाए, पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, यानी कि आज फॉर्म भरे जाए तो 1 साल के अंदर वो ज्वाइनिंग पर भी चले जाए। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन पर दोस्तों यहाँ पर तो क्या है कि 1 साल के अंदर ही वैलिडिटी है इसकी पैट की। पहले पैट का एग्जाम निकलेगा 2021 का, यहाँ पर निकले 2021 का निकलेगा, फिर उस पैट एग्जाम को दो, पैट एग्जाम के बाद फिर कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें फॉर्म भरो। मानते हैं कि दोस्तों यहां पर अगर बाई चांस 1-2 वैकेंसी भी आती है, दोस्तों यहां पर आप 2 वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। फिर दोस्तों अगर आपको पिछली अगली बार की वैकेंसी भरनी है तो फिर अगली बार के पैट एग्जाम को दो, फिर यहां पर आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहां पर मुझे ये माइनस पॉइंट एक लग रहा है इस पैट एग्जाम का कि यहां पर जो है वैलिडिटी जो रखी गई है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों दूसरा लॉस दोस्तों ये है कि यहां पर इतनी ज्यादा वैकेंसी तो नहीं निकलेंगी, लेकिन पर दोस्तों यहां पर आप पैट की फीस देते देते जरूर यहां पर दोस्तों इरिटेट हो जाएंगे, और दोस्तों पैट के एग्जाम को देते देते अगर आपने बाई चांस मान लेते हैं 2021 का पैट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, 2021 का पैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको वैकेंसी नहीं मिलती है, 1-2 वैकेंसी आती, फिर दोस्तों अगली बार 2022 का पैट एग्जाम देंगे, 2022 में दोस्तों फिर से पैट एग्जाम की तैयारी करो और जो एग्जाम है उनकी तैयारी मत करो। दोस्तों ओवरऑल यहां पर पैट के एग्जाम में ही उलझ कर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसका लॉस है। अब दोस्तों हम इसमें मेन मुद्दे की बात करते हैं कि दोस्तों ये पैट एग्जाम चलाया गया है कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये कंफर्म है कि हर साल वैकेंसी आएंगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 साल से जो लेखपाल की वैकेंसी उसे टाला जा रहा है। दोस्तों अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे लेखपाल की वैकेंसी इस साल आएंगी कि नहीं। दोस्तों लेखपाल की वैकेंसी को टाला जा रहा है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियो की हर साल वैकेंसी आती है, या फिर UP SSC कितनी हर साल वैकेंसी निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल के लिए ये पैट एग्जाम तो बना दिया, क्या हर साल वैकेंसी आएंगी UP SSC में, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। दोस्तों ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा देखने की, पैट एग्जाम तो हम दे देंगे लेकिन पर हमें क्या वैकेंसी मिलेंगी, क्या हमें वैकेंसी पर पूरी ईमानदारी से वो वैकेंसी फिलअप की जाएंगी पूरे टाइम टू टाइम, कि ऐसा नहीं कि पैट एग्जाम इस साल हो अगले साल वैकेंसी हो आए, यानी कि
उस पेट एग्जाम के चक्कर ही हम काटते रहे। दोस्तों ये इसके ये सवाल है यहाँ पर, ये दोस्तों सवाल सबसे ज्यादा था। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इस पेट एग्जाम को लेकर जो सबसे बड़ी खुशखबरी आप मान सकते हैं कि दोस्तों आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी रुकी हुई थी वो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल सकती है। दोस्तों ये लेखपाल की वैकेंसी जो है जो आने वाली थी वो दोस्तों वैकेंसी अब यहाँ पर पेट एग्जाम आ चुका है। दोस्तों पेट एग्जाम जैसे ही पेट का एग्जाम होगा जो दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल एससी में सबसे पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी वो होंगी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और दूसरी होगी बीडीओ। दोस्तों ये दो वैकेंसी आपको इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही मिलने वाली है। तो दोस्तों जितने भी भाई लेखपाल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों करते रहे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी इस पेट एग्जाम के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई दोस्तों आपको कोई सवाल है दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।